लेक्चर नंबर 6 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज हम करेंगे। तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और एफ पता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज है। तो इधर हमने मेंशन करना है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से ये मुराद है कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, मतलब हम इसको कहते हैं कंप्यूटर के कितने कैटेगरीज है। तो इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज है। नंबर वन हमारे पास होता है एनालॉग, दूसरा जो हमारे पास होता है वो है डिजिटल, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन सबसे पहले हमने एनालॉग को डिस्कस करना है, फिर हमने डिजिटल को डिस्कस करना है, और लास्ट में हमने क्या करना है, हाइब्रिड डिस्कस करना है। और इसके बाद फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ कि हमारे पास कंप्यूटर कितने क्लासेस में क्लासिफाइड है। तो स्टार्ट करते हैं कि एनालॉग से क्या मुराद है। तो जब भी एनालॉग की बात आ जाए तो इससे मुराद है कि आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली आपने क्या करना है, चेंजेस करना है, कंटिन्यूस चेंजेस में आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एनालॉग सिस्टम। इससे ये मुराद है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग वगैरह या इस तरह चीज नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने रेंडमली आपने एक एक वैल्यू को क्या करना है, उठाना है। तो इसको हम कहते हैं एनालॉग सिस्टम। इसमें हमारे पास वो चीज है कि आपने इसको क्या करना है, आपने कन्वर्जन करना है। इसमें कन्वर्जन नहीं है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, जो रिजल्ट आते हैं आपने डायरेक्ट डिस्प्ले करना है। इसका एग्जांपल ये है कि जिस तरह हमारे पास होता है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर में हमारे पास किस तरह है कि यहां पे हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, मोटर कार है, इसको यहां पे हमारे पास इस तरह एक मीटर मेंशन है, यहां पे हमारे पास है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे हमारे पास जो नीडल होता है, जब भी यहां पे कोई मतलब अगर जितना आप गाड़ी को एक्सीलरेटर देंगे तो यहां पे हमारे पास ये जो नीडल होता है वो हमारे पास इस तरह मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यहां पे हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू मेंशन नहीं है, मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंजेस में आते हैं, कभी मतलब 20 से नीचे, कभी 20 से ऊपर, 30, 35, 31, 32, 33। लेकिन यहां पर हमारे पास यहां पर 31, 32 मेंशन नहीं है, हमारे पास कौन सी वैल्यू मेंशन है, 10, 20, 30। लेकिन इसके बीच हमारे पास जो चेंजेस हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस कहते हैं। और वही कंटिन्यूस चेंजेस हमारे पास क्या मुराद है, एनालॉग सिस्टम इससे ये मुराद है। या जिस तरह हमने क्या करना है, टेम्परेचर को हमने पॉइंट करना है, जिस तरह हमारे पास क्या होता है थर्मामीटर होता है, इसमें हमारे पास जो मर्करी मूवमेंट कर रहा है, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, इसको हम कहते हैं एनालॉग सिस्टम। तो कंप्यूटर में भी हमारे पास इस तरह एनालॉग सिस्टम है, या इसको ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर है, जिस तरह हमारे पास ये वॉच है, तो ये वॉच के अंदर जिस हमारे पास जो नीडल्स होते हैं या 1, 2, 3 इस तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो आपने क्या करें, आपने इसको रेंडमली आपने क्या करना है, इसको मूवमेंट देना है, कंटिन्यूसली चेंजेस आपने इसमें करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह नहीं है इस तरह या प्रोसेसिंग वगैरह, आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपने इसको मूवमेंट देना है, इसको हम फिर कहते हैं एनालॉग सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास है वो है डिजिटल सिस्टम। आपने इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आप नहीं कर सकते, और ना इसमें कोई चीज है, आपने क्या करना है, सारा कुछ आपने नंबर में करना है, 0, 1 में आपने सारा कुछ करना है, इसको हम फिर कहते हैं डिजिटल सिस्टम। और डिजिटल सिस्टम से क्या मुराद है कि अगर आपने यहाँ पे कोई इनपुट देना है तो फिर आपने सबसे पहले आपने इसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस से क्या मुराद है कि आपने वही मशीन लैंग्वेज को फिर आपने कन्वर्ट करना, तो इसको हम फिर कहते हैं डिजिटल सिस्टम। जिस तरह हमारे पास जो डिजिटल वॉच होते हैं, या आजकल हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर, या जिस तरह हमारे पास और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हमारे पास डिस्प्ले होता है, इसको हम फिर कहते हैं डिजिटल सिस्टम। और डिजिटल सिस्टम के जो एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, मोबाइल, ये भी हमारे पास एक डिजिटल है, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं। या जिसमें हमारे पास 7 सेकंड डिस्प्ले हो तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड से क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम इज कॉल्ड हाइब्रिड।
हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड से क्या हो रहा था कि आपने इन दो चीजों को क्या करना है, कंबाइन करना, जो इससे हमारे पास जो सिस्टम बन जाता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं या हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। और हाइब्रिड सिस्टम से क्या मुराद है कि इसमें एनालॉग फंक्शनैलिटी भी हो और डिजिटल फंक्शनैलिटी भी हो। जिस तरह फर्स्ट कर ले, हम यहाँ पे एक एग्जांपल करवा दें कि किस तरह हमने मतलब करना है। फर्स्ट कर ले, यहाँ पे हमारे पास एक लेबोरेटरी है और वो किस चीज, मेडिसिन लेबोरेटरी है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर के लिए आपने एनालॉग सिस्टम सेट करना है और आपने क्वांटिटी को लिए आपने क्या करना है, डिजिटल सिस्टम आपने यूज करना है। किस तरह, क्योंकि फर्स्ट कर ले यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि यार 30 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, ये बॉयल होता है या मेल्ट होता है या जो भी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या, हम कहते हैं कि यार इसका ये तो टेम्परेचर हो गया, इसके लिए हमने एनालॉग सिस्टम सेट करना है। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी के लिए फिर आपने सेट करना है तो इसके लिए हमने डिजिटल सिस्टम यूज करना है, जिसको हम कहते हैं कि यार 500 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एमजी होता है आपने फिक्स्ड रखना है, और जब भी आपने फिक्स्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपने डिजिटल सिस्टम यूज करना है। और डिजिटल सिस्टम से क्या मुराद है, नंबर्स को आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है। और वही प्रोसेसिंग के लिए फिर हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, डिजिटल। और डिजिटल के लिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू हमने मेंशन की 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो इससे ये मुराद है कि आपने इतनी क्वांटिटी आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है। अगर इससे एक्सीड हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे सिस्टम को क्या करना है, अलाउ करना है कि यार क्वांटिटी ज्यादा हो गया, आपने ये कम करना है, या मतलब सोल्यूशन खराब हो गया या जो भी है। तो इसी वजह हमने क्या करना है, हाइब्रिड हम रिसर्च पर्पस के लिए या मतलब जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज वगैरह होते हैं तो इसके लिए हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, हाइब्रिड सिस्टम यूज करना है। इन एनालॉग सिस्टम में हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है, डिजिटल में हमारे पास एरर के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने क्या करना है, सारा कुछ आपने सबसे पहले आपने इनपुट देना है और फिर वही इनपुट के ऊपर आपने प्रोसेसिंग करना है, और प्रोसेसिंग के बाद फिर हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं, और वही रिजल्ट किस बेस पे आते हैं, हमारे पास नंबर बेस पे आते हैं। तीसरा हमारे पास होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड हमने स्पेसिफिक चीज के लिए या क्रूशियल मतलब जो हमारे पास सिचुएशन थी उसके लिए हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, हाइब्रिड सिस्टम यूज करना है। जिस तरह हमारे पास जहाज जो जितनी भी हमारे पास सिस्टम है वो सारा कुछ हाइब्रिड सिस्टम है, या जिस तरह हमारे पास एटॉमिक एनर्जी में हमारे पास जो सिस्टम है वो भी हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है, या आपने केमिकल्स को कंट्रोल करना है, या आपने मतलब जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, या आपने जो क्वांटिटी कंट्रोल, तो इसके लिए आपने कौन सा सिस्टम यूज करना है, हाइब्रिड सिस्टम यूज करना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे पास कंप्यूटर कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड है या डिवाइड है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन से ये मुराद है कि आपने क्या करना है, सिस्टम को आपने क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्लासेस पे हमारे पास ये बेसिकली हमने क्लासिफाइड किया साइज पे और स्पीड पे, हमने ये सिस्टम को क्या कर दिया, क्लासिफाई। बाकी वही कंप्यूटर है, वही सिस्टम है, लेकिन हमने सिर्फ साइज के बिना पे और हमने इसको प्रोसेसिंग या स्पीड के बिना पे हमने इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो आते हैं इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से ये मुराद है कि ये हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर। और पावरफुल से क्या मतलब है, यहाँ पे हमने लार्ज डेटा के लिए या लार्ज प्रोसेसिंग के लिए हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, हमने सुपर कंप्यूटर यूज करना है। और सुपर कंप्यूटर से क्या मतलब है, हमारे पास ये पावरफुल सिस्टम है। और पावरफुल सिस्टम से क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे लार्ज डेटा या जिस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपने क्या करना है, सेव करना है। जिस तरह आप कहते हैं कि यार हमारे पास जो इस तरह सिस्टम है कि आपने मतलब जो हमारे पास फर्स्ट कर फेसबुक, सर फेसबुक है, तो जितनी भी लोग कमेंट्स करते हैं, अपलोड करते हैं पिक्चर्स, लाइक्स करते हैं, शेयर्स करते हैं, या जो भी जितनी भी हमारे पास इवेंट्स वगैरह या जितनी भी फेसबुक के फंक्शंस होते हैं, तो आपने एक एक चीज को, आपने फंक्शन को आपने क्या करना है, हिट करना है, या आपने इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो कहाँ पे हमारे पास स्टोर, हमारे पास सुपर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर ये हमारा है कि हमारे पास पावरफुल सिस्टम होता है, और पावर सिस्टम के साथ साथ इसमें हमारे पास जो साइज है वो भी ज्यादा है और आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सके, तो ये हमारे पास होता है सुपर कंप्यूटर। दूसरा इसमें हमारे पास होता है मेन फ्रेम सिस्टम, मेन फ्रेम सिस्टम। अच्छा, मेन फ्रेम सिस्टम से ये मुराद है कि सिस्टम हमारे पास एक है लेकिन इसके यूजर हमारे पास बहुत ज्यादा, इसको हम कहते हैं मेन फ्रेम सिस्टम। जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास जो लोकल सिस्टम होते हैं या लैपटॉप होते हैं या जो पीसी होते हैं या मोबाइल होते हैं, तो इसके साथ अगर हम दो तीन बंदे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये सिस्टम स्लो हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम से ये मुराद है कि हमारे पास ये ऐसा सिस्टम है कि इसके साथ आप मल्टीपल यूजर आप कनेक्ट कर सके और फिर हमारे पास सिस्टम इसको क्या करता है, रिस्पॉन्सेज देते हैं, मतलब इसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम हमारे पास किस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कर ले हमने इस तरह एक एग्जाम्पल लेने के हमारे पास नेशनल बैंक है, तो नेशनल बैंक का एक सिस्टम है लेकिन इसके साथ पूरी पाकिस्तान से मतलब जो लोग है वो कनेक्टेड है, वो मतलब ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, एटीएम भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ इसके साथ वही सिस्टम के साथ हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिस्टम एक है लेकिन इसके जितनी भी यूजर थे या क्लाइंट्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, मेन ही होते हैं, इसको फिर क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं। तीसरा हमारे पास होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन से ये मुराद है कि आपने ये सिस्टम स्पेसिफिक चीज के लिए आपने यूज करना है, तो उसको हम फिर कहते हैं वर्क स्टेशन, और इसमें हमारे पास यूजर भी एक होता है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं। फर्स्ट पहले यहाँ पे हमारे पास ये एक सिस्टम है और इसके साथ एक बंदा मतलब जो क्लाइंट है या जो भी है तो इसके साथ वो मतलब इसके साथ इंटरेक्शन करे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन। लेकिन स्पेसिफिक चीज के लिए आपने सिस्टम को यूज करना, उसको हम फिर क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। फिर हमारे पास होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर से मतलब इसका स्पीड भी ज्यादा है और इसका साइज भी ज्यादा है, मतलब मेमोरी साइज या जो डेटा स्टोरेज साइज है वो भी ज्यादा है। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें इसका जो रेंज है मतलब नंबर ऑफ कनेक्टिविटी या जो नंबर ऑफ यूज मतलब यूजर इस्तेमाल करते हैं वो 400 to 200 मतलब ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे इस तरह एक सिस्टम है और इसके साथ कितनी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब इसके ऊपर काम कर सकते हैं, या 4 to 200 तक इसमें मतलब वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो फिर हमारे पास सिस्टम स्लो हो जाता है। लास्ट में हमारे पास जो चीज मतलब जो सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, माइक्रो मींस छोटा, और यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटर, तो ये मोबाइल लैपटॉप या जो पीसी होते हैं हमारे पास, जितनी भी लोकल सिस्टम हमारे पास, को हम फिर क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं, और इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं और या पर्सनल कंप्यूटर इसको भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसका जो साइज है वो भी कम है, इसका मेमोरी साइज भी कम है और इसका स्पीड भी हमारे पास एज कम्पेयर टू दीज, इससे ये इसका स्पीड क्या होता है हमारे पास, कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास लैपटॉप, पीसी जो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, मोबाइल वगैरह या स्मार्ट वॉच या टैबलेट वगैरह जितनी भी हमारे पास डिवाइस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर हमारे पास एक्सपेंसिव होता है, इसका कास्टली हमारे पास कास्टली सिस्टम होता है क्योंकि ये हमारे पास लार्ज डेटा के लिए आपने स्टोर करना है, तो इसमें हमारे पास जरूरी बात है कि इसमें इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर है या जो आपने इसको मेंटेन रखना है या पोर्टेबल मतलब जो मेंटेनेंस इसमें वो हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसी वजह का मतलब हमारे पास ये कास्टली है। फिर मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम में आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल यूजर को आपने क्या करना है, एक सिस्टम प्रोवाइड करना है, उसको क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं। लेकिन मेन फ्रेम का जो साइज है वो भी हमारे पास ज्यादा होता है, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की तरह कास्टली इस तरह है। फिर वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन इतना कास्ट नहीं, मतलब आपने स्पेसिफिक चीज के लिए आपने यूज किया स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो इसमें वो चीज नहीं है जिस तरह हमारे पास वो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम में होता है। मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का मतलब हमारे पास इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन सिर्फ साइज और स्पीड का डिफरेंस है इसमें, बस ये होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन आपको कंप्यूटर। अच्छा, जिसका भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी मतलब मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे आप लोग कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई देंगे। थैंक यू।